हे गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है सुबह का, तो हम लोग मैं स्कूल जाने के टाइम का था, तो मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कुछ खाने को। वैसे तो भी एप्पल खाना चाहिए हाँ, सुबह के एप्पल टाइम पे। खाना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ना एक सेब को कट कर लिया और ना उसी को जल्दी से खा लिया, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था टाइम। उसके बाद फिर ना मैंने जल्दी से फिनिश करा। फिर जब मैं स्कूल से आई तो फिर मम्मी ने सारी प्रिपरेशन तो कर ली थी। मम्मी ने टमेटोज कट कर लिए थे और ना थोड़े बहुत और जो थी चीज़ें ग्रीन चिलीज, इन सबको कट करके पहले से रख दिया था। लेकिन मुझको मतलब मैंने बोला था मम्मी ये मैं ही बना दूंगी, बिकॉज मम्मी की थोड़ा आजकल तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तो मम्मी ने ना ये टमेटोज कट कर लिए एंड ग्रीन चिलीज कट पहले ही करके रख ली थी, और ये सारी प्रिपरेशन उन्होंने पहले ही करके रखी थी। ये ना गोभी कट कर रखी थी उनने, इसकी कॉलीफ्लावर बेसिकली, तो इसके अंदर उन्होंने ना आलू के भी चंक्स डाले थे, ग्रीन चिलीज, टमाटो, टर्मरिक पाउडर, क्यूमन सीड एंड रेड चिली एंड सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन इस बाउल के अंदर जो ना, इसके अंदर नमक डाल के अपन को सॉल्ट पहले से डाल के रखना है, बिकॉज इसके अंदर कुछ कीड़े छोटे मोटे जो होते हैं ना, इंसेक्ट टाइप के, तो वो ऊपर आ जाएँ, क्योंकि ये वेजिटेबल ऐसी होती है इसमें जल्दी से ना हो जाते हैं। तो इसको अच्छी देर तक आप पहले से ही सोख करके रख लें। एंड इसके अंदर ना फिर मैंने इसके अंदर प्लेन नहीं रखा, प्लेन कॉलीफ्लावर नहीं रखा, इसके अंदर आलू के भी थोड़े बहुत आप देख सकते हैं चंक्स रखे थे, थोड़े बहुत आलू का भी फ्लेवर आए। देन उसके बाद तो ये हैं सारे इंग्रेडिएंट। फिर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर ऑयल गरम करना है एज़ यूजुअल, उसके अंदर फिर क्यूमन सीड डालना है। क्यूमन सीड को ये ज़्यादा ब्राउन हो गए थे लेकिन आपको ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसके अंदर जल्दी से अगर आप ग्रीन चिलीज डाल दें थोड़ी सी, उसके भी मतलब उसके भी नहीं मतलब थोड़ा सा तेल होगा। इसके बाद फिर इसके अंदर टमेटो ऐड कर देना। आप टमेटो ऐड करें या फिर उसके बाद कॉलीफ्लावर ऐड करें, बात एक ही, लेकिन मैंने पहले ये ऐड कर दिया। फिर इसको अच्छे से पकाना है अपन को। फिर इसी के अंदर टर्मरिक पाउडर डालना है, बिकॉज इसका जो कच्चापन है, रोपन होता है ना, वो निकल जाए। फिर इसको अच्छे से पकाना है, बिकॉज टमाटर को सॉफ्ट होने में, पकने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। तो फिर इसके अंदर सॉल्ट डाल दें। टमेटोज़ का मैंने बताया सॉल्ट डालने से जल्दी पक जाते हैं, जल्दी से मतलब वो ना नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर बस आप इसके अंदर वो डाल दें, कॉलीफ्लावर जो अपन ने कट करी थी, आलू भी इसी के अंदर थे। फिर इसको अच्छे से मिलाएं, बस आप देखिए इसको अच्छे से मिलाना है, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इतना सा भी। फिर इसके अंदर रेड चिली डालें। रेड चिली डालने के बाद फिर इसको बहुत देर तक, आप बहुत देर तक अच्छे से पकाएं, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना। फिर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रहेगी, ये ऐसे पक जाएगी। आपको लग रहा होगा ऐसा कलर कैसे आ गया, लेकिन ऐसे ही कलर आ जाता है इसका। अपन रेड चिली जो है कश्मीरी, अगर लाल मिर्च है तो वो डाल दें, वो भी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद फिर ना मैंने रोल बना लिया था, बिकॉज नॉर्मल अच्छी नहीं लगती, तो मैंने सोचा मैं रोल बना लूँ, कुछ नया सा कर लूँ। तो तू बस मान, मेरे भाई उन्हें भी पसंद है, तो इसके लिए मैंने एक रोटी ली, जो रोटी रखी थी उसके अंदर नॉर्मल आप केचप ऐड करें, मैं उन्हीं से, तो आप मैं उन्हीं से ऐड कर लें। केचप इसके अंदर मुझे ज़्यादा नहीं पसंद, तो आप थोड़ा सा ही, मतलब मैं तो थोड़ा सा ही प्रेफर करती हूँ, बाकी आप देखें। और जो ये बहुत ज़्यादा मिर्ची के थी गोभी, तो आप इसको मैंने कम डाली है, तो आप इसको अच्छे से रोल कर दें। फिर मैंने इसके साथ कुकुम्बर लिया है, बिकॉज मम्मी ने काट के रखी जो मेरा दिल चाहे। और फिर इसके बेवरेज के लिए मैंने इसके अंदर केचप साइड में लिया है। फिर रात में, फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा। फिर रात में बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, तो मैंने ना आइसक्रीम रखा था, तो मैंने सोचा मैं आइसक्रीम खा लूँ, और उसकी भी क्लिप ले ली मैंने। तो ये सब ये आपके लिए, ये बाइट आपके लिए। उसके बाद फिर मैंने ये फिनिश करा। तो आज का दिन ज़्यादा हेक्टिक गया था, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं गया, तो ये मैंने बाहर इंजॉय करके खाया। अगर आपको मेरा यहाँ तक का व्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ जाएं और पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद फिर मिलते हैं, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ एंड हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।